तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और आज का जो सीन है, आज का जो टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारा चेस्ट में इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और सांस लेने में जो सांस लेने में दिक्कत होती है, लंग्स का एक तरह का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और फेफड़ों को एक तरह से मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं आपको ऐसी होम रेमेडी बताऊंगा जो आप जैसे आपको लग रहा है कि चेस्ट में कंजेशन है, खांसी हो रही है, बलगम जमा है और काफ़ी टाइम से मेडिसिन खा रहे हो, आराम नहीं आ रहा, तो एक होता है ना बंदे को कि एक तरह से होम रेमेडी या फिर कुछ ऐसा नुस्खा हो जिससे कि फ़र्क पड़े और जल्दी आराम आए, तो ये डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आजकल जो एयर की जो क्वालिटी है, एयर इंडेक्स है, जो क्वालिटी पोल्यूशन इंडेक्स है, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में है, रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया में, ठीक है। रूरल एरिया में थोड़ा कम है पोल्यूशन, बट जो अर्बन जो शहरी इलाका है उसमें पोल्यूशन ज़्यादा है और डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ती जा रही है और उसी के अकॉर्डिंग पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और जो भी जैसे जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ से धुआं निकल रहा है, केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आप जाना तो वो सांस के थ्रू आप ही के अंदर है, तो वो चीज़ है कि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो इसमें दो चीज़ें रह गई थी जो मैंने कल वीडियो बनाई थी, जो लंग्स इन्फेक्शन के लिए जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, म्यूकस जमता है, इसमें एक चीज़ और है कि जो दो तरह की स्मोकिंग होती है, एक एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग से भी एक तरह से म्यूकस जमता है और चेस्ट कंजेशन होता है। एक्टिव स्मोकिंग तो होती है जो हम डायरेक्ट स्मोकिंग कर रहे हैं, बट पैसिव जो स्मोकिंग होती है, पैसिव स्मोकिंग होती है वो कोई और पी रहा है सिगरेट वगैरह, बट आप उसके पास बैठे हो तो धुआं आपके लंग्स में, आपके नोस्ट्रिल्स के थ्रू आपके अंदर जा रहा है, तो वो होती है पैसिव स्मोकिंग। तो इसमें भी चेस्ट कंजेशन होता है दोनों में, एक्टिव में और पैसिव में, दोनों स्मोकिंग जो भी इस तरह कर रहे हैं उसमें भी चेस्ट कंजेशन होता है और एयरवेज की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, म्यूकस जमता है, तो यही चीज़ थी। तो इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे, तो चलिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फटाफट से कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, सबसे पहले इसमें पांच इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको मैं बताऊंगा कि चाय बनानी है, टी है एक तरह से, वो आपको बनानी है और बनानी कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या करें, इसमें यूज़ होने वाली चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जिंजर, सबसे पहले होगा अदरक। अदरक में एक तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, मैंने पुरानी वीडियोज़ में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये क्या करेगा, जो भी हमारा कंजेशन है उसको कम करेगा, कफ को भी सप्रेस करेगा, ठीक है। जिंजर अदरक सबसे पहला है ये इंग्रेडिएंट। सेकेंड हमारा होगा मुलेठी। सेकेंड हमारा इंग्रेडिएंट है मुलेठी। मुलेठी में भी एक तरह से एंटीवायरल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जो मुलेठी एंटीवायरल एंटी बैक्टीरियल होने के साथ साथ एक्सपेक्टोरेंट भी होता है, ठीक है, मतलब कि जो भी हमारा बलगम है जो छाती के अंदर जमा है, लंग्स के अंदर जमा है, उसको पतला करके निकालने का एक तरह से काम करता है, ठीक है, यही हमारा जो मुलेठी है। थर्ड हमारी चीज़ होगी बड़ी इलायची। बड़ी इलायची आप लेंगे, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बड़ी इलायची है एक तरह से, ये सूथनिंग इफेक्ट देती है हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, थ्रोट का जो भी इन्फेक्शन है उसको कम करती है जो बड़ी इलायची है, ये हमारा इंग्रेडिएंट है। उसके बाद ये थर्ड हो गया। फोर्थ हमारा इंग्रेडिएंट है नींबू। नींबू में आपको पता है कि विटामिन सी है, ऑलरेडी मैंने कई वीडियोज़ में बताया विटामिन सी होता है और हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाता है। फिफ्थ हमारा होगा हनी। हनी में ऑलरेडी सबको पता है, बताने की फिर भी मैं आप बताने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ, हनी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, के अंदर भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिटॉक्स करता है हमारे एयरवेज को, लंग्स को इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है, डिटॉक्स का मेन ये डिटॉक्सिफिकेशन इसका मेन प्रॉपर्टी है, एंटी बैक्टीरियल तो होता ही है। उसके बाद जो कफ है उसको स्प्रेस करता है, सूथनिंग इफेक्ट देता है हमारे एयरवेज को, जो भी हमारा कंजेशन है उसको कम करता है, तो ये हमारा फिफ्थ इंग्रेडिएंट है। अब नेक्स्ट है, इसको बनाते कैसे हैं, जो भी ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं।
सबसे पहले आप नोट कर लें, आप पेज पे लिख सकते हैं, एक से डेढ़ कप, सॉरी डेढ़ कप आप पानी लें। डेढ़ कप पानी आपको एक जिसमें आप चाय बनाना चाहते जो टी बनाना चाहते हैं, जो ये नुस्खा मैं बता रहा हूँ, डेढ़ कप पानी में आपको सबसे पहले क्या डालना है, एक चम्मच अदरक जो पिसा हुआ अदरक ग्राइंड किया हुआ वो डालना है। उस पानी को आपको उबालना है, स्टार्ट कर देना गैस को। उसके बाद एक चम्मच आपने अदरक डाल दिया, जिंजर का पेस्ट, फिर उसमें आपको डालना है जो मैंने आपको बताया बड़ी इलायची, वो एक डालनी है बड़ी इलायची। एक चम्मच आपको इसमें डालना है नींबू का रस, और उस मुलेठी डालनी है आपको, आपको थोड़ी सी मुलेठी लेनी है, उसको बारीक बारीक काट लेना है चाकू से, छोटे छोटे पीसेस करके वो डालने हैं। फिर आपको इसको पूरा हीट करना है, जब तक हीट करना है, जब तक इसको पकाना है, जब तक ये जो डेढ़ कप पानी है वो एक कप में ना कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, डेढ़ कप से एक कप में ना हो जाए कन्वर्ट, तब तक इसको उबालते रहना। उसके बाद आप इसको जैसे ही कप आपके हाथ में आ जाएगा, उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा नींबू मिलाएं आधा चम्मच, और थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं, आधा या एक चम्मच आप हनी डाल दें। तो उसके बाद आप इसको सुबह शाम पीना है आपको, ठीक है, गरम गरम ही पीना है, और आपका आप देखेंगे कि जो भी आपका कंजेशन है वो कम हो जाएगा। देखो मेन मैं आपको बताता हूँ, जो जो हमारा एयरवेज है, ठीक है, आप आपको मैं पूरा एक क्लैरिटी दे देता हूँ। ऑब्स्ट्रक्शन से मेरा मतलब क्या है कि अगर हमारा जो एयरवे इतना है, ठीक है, इतना बड़ा होल है जो जहाँ से हमारा एयर पास हो रही है, सांस लेने की जो नली है, जब बलगम जम जाता है तो वो बिल्कुल कम हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वो कम हो जाता है जो एयरवेज है, तो ऐसे ऐसे दिक्कत होती है सांस लेने में, एयरवेज की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, बलगम जम जाता है, जिस एयरवेज से जो हमारा जो एक तरह से पाइप है जहाँ से हम सांस ले रहे हैं वो कम हो जाता है, जगह कम हो जाती है। तो वही है, सांस तो उतनी ही चाहिए बॉडी को, लंग्स को उतनी चाहिए, बट जो जो जहाँ से एयर जानी है वो एरिया ही कम हो गया, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उसमें बलगम के कारण, तो उसी को खोलने के लिए ये होम रेमेडी है कि जो भी बलगम जमा है उसको पिघलाना, ठीक है, और वो आपका कफ के थ्रू बाहर आना। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको काफ़ी चीज़ें पता लगी होगी, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप अपने बुज़ुर्गों को बता सकते हो, बना सकते हो उनके लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें। हमारे 7000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, जल्दी से इसको हिट करें 10000 की तरफ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू सो मच, जय हिंद।